Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and very very good morning. So this is your English mentor Shalini Mehendras. Welcome to you all in the Mehendras official YouTube channel. Saath hi saath a very happy new year from my side. Main nahi thi और एक तारीख को आपकी क्लास भी नहीं थी तो वो हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आई नो कुछ लोगों ने अपने रेजोल्यूशन बना लिए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं भी बनाए होंगे कि भैया रेजोल्यूशन का तो कोई भी फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अच्छा, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम उसको दो दिन ही खाली फॉलो कर पाते हैं, वो भी मुश्किल से। इससे ऊपर तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ अभी बहुत कम स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े। फटाफट से सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लो, शेयर कर दो एज मच एज यू कैन, क्योंकि देखो न्यू ईयर एक जो हम लोगों ने एम सोचा था, अगर देखते हैं आज वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और वो एम के बारे में आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए आप सभी को अभी मेरे साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट होना है, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल का सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरभी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। अंकित, संदीप वेरी गुड मॉर्निंग, नीतीश, कोमल, चंद्रिका, भरत, शुभ लक्ष्मी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड मोस्ट वेलकम इन द चैनल एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, राइट। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं कि कौन कौन से सेशन में मतलब कौन कौन से आर्टिकल आए हुए हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्टली चलते हैं सिर्फ न्यूज़पेपर में, हमें और किसी पे भरोसा नहीं है, ठीक। तो हम गए यहाँ पे न्यूज़पेपर पे, तो यहाँ पे गए एडिटोरियल सेशन में। तो पहला आप देख रहे होंगे आर्टिकल क्या है, साइन ऑफ द फ्यूचर। साइन ऑफ द फ्यूचर का मतलब पता है क्या होता है? आगे आने वाले समय का जो एक भविष्य है ना, उसके लिए बात करता है। ऑन इसरोस पीएसएलवी C58 मिशन, राइट। मतलब आपको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उसके बाद सन के लिए एक गया लॉन्च हुआ, और भी जो चीजें लॉन्च हुई, तो कहीं ना कहीं ये सब आगे आने वाले भविष्य का ही साइन है, ठीक है, सिंबल है। एक तो इसके बारे में पूरा, दूसरा है एक जो गाजा वॉर चल रहा है 3-4 महीने से, ये कॉन्टिन्यू है, ठीक है। ऑन गाजा वॉर गोइंग बियॉन्ड इसराइल एंड पैलेस्टाइन, जो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वॉर चल रहा है उसको लेकर के भी यहाँ पे काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। तो पहले आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो, आई एम अगेन ओवर हियर, तो शेयरिंग इज केयरिंग भाई, चलो जल्दी से शेयर करो सभी लोग, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन, और जितने भी स्टूडेंट्स न्यू है या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्लास को, जल्दी से जल्दी वो सेशन को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें @englishbyshalini मैम। इसको आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको क्लास की पीडीएफ यहीं पर अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है पहले, तो सब लोग ज्वाइन कर लो इस टेलीग्राम चैनल को, और सबको मैं थोड़ा सा जगाने की कोशिश करती हूँ कि भैया क्लास स्टार्ट हो गई है और उठ जाओ। लगता है अब तो सीधे यही लिखना पड़ेगा कि भैया क्लास स्टार्ट हो गई है, उठ जाइए, लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक तो सोने वाले लोग ज्यादा हैं, है ना, करा क्या जाए। चलो भाई देखो, तरुण सर ने भी मैसेज कर दिया है कि एडिटोरियल सेशन आप लोग ज्वाइन करिए। बिंदु झा वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू कवर अप दी एग्जाम बेस वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडिटोरियल एनालिसिस, एवरीथिंग वुड बी इन वन सेशन। इसके साथ ही साथ हम जो आर्टिकल में आपके एंटोनिम्स सिनोनिम आते रहते हैं या ज्यादा चीजें आती रहती है तो उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज 2 जनवरी है, लगता है 1 जनवरी को सबकी पार्टी ज्यादा हो गई है ना। चलिए तो वोकैबुलरी लर्न करने के लिए तैयार हैं आप सभी? यस और नो, रेडी? फटाफट बताएं। इफ यू ऑल आर रेडी देन स्टार्ट द सेशन विद द फर्स्ट वोकैबुलरी दैट इज कॉम्बैट। हैव यू हर्ड दिस वर्ड कॉम्बैट एवरीबॉडी? कॉम्बैट वर्ड सुना होगा, फटाफट से बताएं। हाँ, आई नो यू ऑल आर रेडी गाइज। फास्ट, हैप्पी न्यू ईयर सुशांत, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलो कॉम्बैट, तो चंद्रिका ने आंसर किया है टसल, वेरी गुड चंद्रिका।
Fight. क्या बिंदु एज अब नहीं है तो पीओ के लिए तैयार करो ना बेटा। चलिए कॉम्बैट की जब हम बात करते हैं ना, सो इट मीन्स टू फाइट और एंगेज इन बैटल विद एन एडवर्सरी। मतलब आप किसी तरीके की भिड़ंत में फंस जाते हैं, यू आर एंगेज इन किसी भी टाइप की लड़ाई में अगर आप फंस जाते हैं, यू आर एंगेज, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉम्बैट। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो क्या बोलते हैं, जैसे कन्फ्रंट करना, क्लैश करना या स्ट्रगल करना, ठीक है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो अवॉइड कर देना, सरेंडर कर देना, मतलब जहां या तो झगड़ा हो रहा हो वहां से निकल लो एकदम कि भाई हम पीछे हट गए, है ना, या सरेंडर कर दो कि लो भैया बस हम यहीं पे अपना सर झुकाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे, जो गाजा वॉर हो रहा है उससे रिलेटेड ही वर्ड्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टू राइवल फैक्शंस कॉन्टिन्यू टू कॉम्बैट ईच अदर फॉर कंट्रोल ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जो बहुत ज्यादा विवादित कोई टेरिटरी है, रीजन है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, दे आर कॉम्बैटिंग, राइट। तो कॉम्बैट एक वर्ब है, यानी कि फाइट और एंगेज इन अ स्ट्रगल और बैटल, राइट। चलो नेक्स्ट, स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट, फटाफट से बताएं स्ट्रेट क्या होगा। हम लोग कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यहां पे ये स्ट्रेट यूज हुआ है, व्हाट इज दिस स्ट्रेट। और भैया तुम लोग शेयर वेयर तो नहीं करोगे, है ना, कि सोए हुए को जगाओ, सोए हुए को जगाओ, कह दो मैम हम खुद ही जग गए हैं, हम क्या बाकी लोगों को जगाएं। वैसे बात तो ये भी सही है, आई अग्री। वे, अनुसर ने आंसर किया है, चलिए देखते हैं। देखो स्ट्रेट एक पैसेज वे जैसे नहीं होता है, वैसे तो हम फ्लो ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं, बट बेसिकली यहाँ पैसेज में आपका मतलब है दैट इज अ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, ठीक है, और जिसको आप बहुत ही डिफिकल्टी से पास कर पाते हो, तो यू कैन से इट एज मेस, पास, होल, या हम क्राइसिस भी बोल सकते हैं। क्राइसिस भी तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि नहीं होती है। मोहम्मद तालिब खान, वेरी गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, तो वो भी क्राइसिस ही होती है। बट इफ यू आर इन अ कंफर्ट, सॉल्यूशन और रेजोल्यूशन, यानी कि एकदम अपने अच्छे मिजाज में हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो आप बोलते हो रेजोल्यूशन, कंफर्ट, या किसी बात का सोल्यूशन निकालना। द कंपनी फाउंड इटसेल्फ इन फाइनेंशियल स्ट्रेट्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड मार्केट चेंजेस। इस तरीके के जो अनएक्सपेक्टेड मार्केट चेंजेस हैं, कंपनी ने अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ही फाइनेंशियल डिफिकल्टी में पाया, ठीक है, समझ में है। तो स्ट्रेट और पैसेज ऑफ वाटर के लिए भी हम यूज करते हैं, नैरो पैसेज ऑफ वाटर, मतलब जहां से पानी बड़ी मुश्किल से निकलता है, उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनडिस्क्रिमिनेट, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, इनडिस्क्रिमिनेट, फटाफट से बताएं इनडिस्क्रिमिनेट क्या होता है। देखो स्क्रीन भी मुझे छोड़ करके कभी कभी खुश नहीं होती है, इनडिस्क्रिमिनेट, अरे कोई भी बताओ, एंड डोंट फॉर अनबायस, वेरी गुड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, और जो आज फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ठीक है। चलो इनडिस्क्रिमिनेट की बात करते हैं, कई लोग बोल रहे हैं अनबायस विद केयरफुल अटेंशन, तो यहाँ पे जो वेयर देयर यू लैक डिस्क्रिमिनेशन और यू मेक चॉइसेस विदाउट केयरफुल सेलेक्शन, दैट इज डन एट रैंडमली, कि हाँ चलो हो क्या, केयरलेस एकदम, है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनडिस्क्रिमिनेट। आपको बिल्कुल परवाह नहीं होती किसी चीज की, ठीक, एंड समथिंग विच इज जैसे रैंडम बोल दिया या अनमेथडिकल बोल दिया, जो एमलेस है, अनकंसीडर्ड है ना, उसके लिए हो गया। टारगेटेड, केयरफुल या डेलिब्रेट अगर हम बोलेंगे तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। जैसे अभी न्यू ईयर आ गया है तो प्रियांशी शर्मा, वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड मॉर्निंग, न्यू ईयर आया
कई लोग इस बात का इंतजार करते हैं, एक तारीख आएगी तो हम ये काम करेंगे, एक तारीख आएगी तो ये ऐसा करेंगे। एंड आप लोगों को पता होगा दिस इज 2024 मींस दिस इज लीप ईयर, तो 366 डेज हुए हैं, आज से समझो 365 डेज का सिलसिला चालू हो गया है। कल का दिन क्योंकि लीप ईयर भी जानता है, काफी लोग कुछ भी नहीं करते है ना, उसको लीप ईयर का लीप डे मना लेते हैं, ठीक है। तो 2024 आ गया है, ये एम और टारगेट आप अपना बना लीजिए कि इस साल के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। एंड हाँ गाइस, एसबीआई क्लर्क का अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसकी मैराथन होने वाली है आप लोगों की, 6 घंटे की लगातार मैराथन होगी है ना। तो 6 घंटे की जब मैराथन होगी 6 आवर्स की, ये है 4 जैन यानी कि परसों, क्योंकि 5 जैन से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो 4 जनवरी को स्टे ट्यून्ड विद अस, आपकी रीजनिंग होगी, फिर मैथ्स होगी एंड लास्ट में आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। तो उसके लिए आप सभी को हमारे साथ बने रहना है ओनली ऑन महेंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, लास्ट टाइम पे हम उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि जो कि हो सकता है हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए। आर्यन कमलेश वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन बोथ पेस्ट एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इन द इकोसिस्टम। तो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, स्क्यू क्या होता है, एनीबडी व्हाट इज दिस स्क्यू मीन, फटाफट किसी को पता है? स्क्रू एक होता है, स्क्रू ड्राइवर है ना, लेकिन ये स्क्यू मतलब होता है दैट इज डिस्टॉर्टेड और बायस्ड, जो बायस्ड होते हैं है ना, वो जो डिस्टॉर्टेड होते हैं उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं क्या, स्क्यू है ना। तो अगर हम बेसिकली अगर इसकी हिंदी मीनिंग में जाना चाहे ना, एक तो पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, और अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग में जाना चाहे तो सीधा सीधा हम बोल देते हैं, बोलते सीधा सीधा है, लेकिन इसका मतलब होता है तिरछा। ठीक है, बोलते हम सीधा सीधा हैं बट इसका मतलब क्या होता है, तिरछा, दैट इज स्लैंट है ना, टिल्टेड, एस्लैंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्लैंट, बट समथिंग इज अनबायस्ड, अलाइंड, एक लेवल पे है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो ये स्क्यू का अपोजिट हो जाएगा। द पिक्चर ऑन द वॉल लुक्ड अ बिट स्क्यू बिकॉज द फ्रेम वाजंट हंग स्ट्रेट, क्योंकि फ्रेम को सीधा सीधा नहीं टांगा गया था इसलिए पिक्चर थोड़ी सी टिल्टेड दिख रही थी, स्क्यूड दिख रही थी, तो वो हो गया स्क्यू। हाँ, फेक ट्विस्ट, वेरी गुड सुरभि, सुशांत ने बोल दिया टेढ़ा, संदीप सिंह, वीर और एंगल, वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एग्जाम्पलीफाइड, नाउ दिस वन इज वेरी इजी गाइज, एग्जाम्पलीफाइड कौन बताएगा, शुभी, आई एम गुड, हाउ आर यू बेटा, इंटेंसीफाई, देखो हम किसी के जब उदाहरण देते हैं ना तो उनसे हम बोलते हैं एग्जाम्पलीफाई, यानी इलस्ट्रेटेड और डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एग्जाम्पल सर्व्ड एज अ टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। हम लोग जब अपने एकेडमिक पे थे, आप सभी को पता है हम लोग मॉडल्स बनाते थे, कोई वॉटर साइकिल बना रहा है, कोई फिजिकल फिजिक्स का कुछ बना रहा है ना, और या कोई सोलर सिस्टम बना रहा है, तो इस तरीके के हम क्या बोलते थे, हम कराते थे मॉडल्स, जिसके थ्रू हम जब एग्जीबिशन लगती थी तो अपने पेरेंट्स को समझाते थे कि इसमें से क्या हो रहा है, तो आप सबको समझाते थे। जैसे क्लास में हमें मैम लोग क्या कराती थी, एकेडमिक में जब अपने थे तो अच्छे से मॉडल्स के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू चीजों को समझाती थी। तो चीजों को इंटेंसिफाई करना और एज एन एग्जाम्पल सेट करना इज एग्जाम्पलीफाइड, एक्सप्लेन्ड, मेंशन्ड और एनालाइज्ड, राइट, ऑब्स्क्योर्ड, वेल्ड या हाइड, मतलब चीजों को छुपा के रखना और प्रॉब्लमेटिक कर देना है ना, वेल्ड रखना, वेल मतलब घूंघट जैसे होते ना, घूंघट के अंदर वैसे। द सक्सेस स्टोरी ऑफ द एंटरप्रेन्योर एग्जेम्प्लीफाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्डवर्क,
जो एंटरप्रेन्योर की ये जो सक्सेस स्टोरी है वो कहीं ना कहीं किसका एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्ड वर्क, उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, प्रिजर्वेंस एंड इनोवेशन इन दी बिजनेस वर्ल्ड। देखो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि तुम तैयारी कब से कर रहे हो, ये तब तक आपसे पूछता है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, उसके पीछे के स्ट्रगल को कोई जानता नहीं। और अगर कहीं आपका एक दो साल सिलेक्शन नहीं हुआ, कब से तैयारी कर रहे हो बेटा, या तुम कब से तैयारी कर रही हो बेटिया, तो ये होता है कर रहे हैं तैयारी, पिछली बार इतने नंबर से रुक गया था, इस बार थोड़ा सा अच्छा करेंगे, नंबर से रुक गया था, हाँ फिर दूसरे घर में जाएंगी, बताओ उनकी बिटिया उनका लड़का दो साल से तैयारी कर रहा था, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं कर भी रहा था, पता नहीं बाहर रहते हैं क्या तैयारी करते होंगे, घूमते फिरते होंगे। ये सबकी लाइफ में सेम स्टोरी है, वर्डिंग सीधा उधर हो सकती है, ये स्टोरी इज सेम। तो इस स्टोरी को ज्यादा और बढ़ावा ना दे करके आप अपनी मेहनत पे भरोसा करें और एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी जब शेयर करें ना तो लोग सोचें कि क्या यार बिल्कुल सही कह रहा है, हमारी लाइफ से कनेक्ट हो रहा है। हाँ भरत कहानी अरगर की अनफोल्ड। अनफोल्ड क्या होता है बताइए, अनफोल्ड कई बार रिपीट हुआ है, लगता है राइटर्स को ये वर्ड ज्यादा पसंद आता है ना, अनफोल्ड अनफोल्ड फटाफट। फास्ट एवरीवन। अच्छा बेटा सभी के घर की कहानी है, डोंट वरी। इवन कोई जॉब भी कर रहा होता है ना तो उसके साथ भी यही है, लेकिन एक बार सरकारी नौकरी लग गई, देखो यार फायदे तो हैं सरकारी नौकरी के, तभी तो तुम लोग यहाँ पे हो पढ़ रहे हो, हर किसी को पोक्स चाहिए होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, पता नहीं कितने TA DA पता नहीं क्या क्या मिलता है। सीनू वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। बेटा थोड़ा सा कुछ अर्जेंसी थी इसीलिए आई वॉजेंट देयर, थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक है तो आई एम हियर विद यू ऑल, लेकिन मैंने आपका वो दिन नहीं खाली जाने दिया, मैम वॉज देयर एंड थैंक्स टू मैम कि ऋषिका मैम आई और उन्होंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीजों को, तो मैं जब भी अगर ऐसा कुछ होगा तो शी विल बी देयर फॉर यू ऑल। अच्छा कमलेश ओके भैया हम भी वही हैं। शुभी हैप्पी न्यू ईयर कितने बार बोलोगी भाई। चलो अनफोल्ड का मतलब होता है टू ओपन स्प्रेड और अनफोल्ड समथिंग, जैसे पेपर रोल्ड होता है ना, देखो मैं तुमको एग्जांपल दे करके समझाती हूँ, जैसे आपका ये पेपर ऑलरेडी क्या है फोल्ड है, इस पेपर को जब हम अनफोल्ड कर रहे हैं यानी कि ओपन कर रहे हैं, ठीक है इसको अनफोल्ड कर रहे हैं किसी भी फ्लैग को बैनर को कोई भी सेल को, है ना, तो अनरोल करना जो ऑलरेडी रोल्ड है, और किसी को फोल्ड करना रोल अप करना फॉइल करना इसका अपोजिट है, इतना सभी को पता है। एज द सेरेमनी बिगन द सोल्जर्स अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग, जैसे ही सेरेमनी शुरू हुई नेशनल फ्लैग को अनफोल्ड किया गया, दैट सिंबलाइजिंग द स्टार्ट ऑफ द इवेंट, जिसका सिंबल जो सिंबलाइज कर रहा था वो क्या कर रहा था कि इवेंट अब स्टार्ट हो रहा है, राइट right? चलो नेक्स्ट प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट बताइए, प्रोपेलेंट फास्ट एवरीवन। ये जानते हो कि आपकी बाइक आपकी कार या ये सब किससे चलते हैं, ये सब इससे चलते हैं जैसे आप जब इसमें फ्यूल डलवाते हो, है ना, तो वैसे ही जैसे रॉकेट के लिए रॉकेट फ्यूल की जरूरत होती है, विच फोर्सेस द रॉकेट कि वो अपवर्ड्स जाए, है ना, तो दैट इज एक्सपेल्ड और एक्सपेंडेड इन सच अ वे टू क्रिएट अ थर्स्ट ऑफ अनदर डिवाइस, उसके लिए हम प्रोपेलेंट यूज करते हैं, पुश फॉरवर्ड, वेरी गुड अखिलेश, सब्सटेंस यूज टू प्रोपेल और ड्राइव फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ाना,
स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रॉकेट्स, खास करके रॉकेट्स के केस में, मिसाइल्स के केस में या अदर व्हीकल्स, तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, दैट इज प्रोपेलेंट, राइट। रॉकेट फ्यूल बोलते हैं, बट इफ समथिंग इज भाई एक समथिंग इज यूज फॉर टू पुश फॉरवर्ड समथिंग एल्स, स्पेशली रॉकेट्स, लेकिन किसी चीज में ब्रेक लगा दो, हॉल्ट लगा दो, तो चीजें तो वहीं रुक जाएंगी, थम जाएंगी। तो ब्रेक, हॉल्ट और स्टॉप मतलब रुकना, ठीक, उसमें आगे मूवमेंट कोई भी नहीं हो सकता। द इंजीनियर्स केयरफुली सिलेक्टेड द प्रोपेलेंट फॉर द स्पेसक्राफ्ट, जो इंजीनियर्स हैं बहुत ही ध्यान पूर्वक क्या करते हैं, प्रोपेलेंट को सिलेक्ट करते हैं स्पेसक्राफ्ट के लिए, टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मिशन, मिशन के दौरान प्रॉपर यूटिलाइजेशन और परफॉर्मेंस हो सके। हाँ, मिसाइल, डायनामाइट, गन पाउडर, यस सर भी। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सेशन इज सॉलिडारिटी। आज बहुत कम वर्ड्स थे, ठीक है, तो कभी कभी होता है कि बाकी सारे वर्ड्स इजी रहते हैं। फिलहाल बताओ सॉलिडारिटी, व्हाट इज दिस सॉलिडारिटी, फास्ट एवरीवन। और आज हम लोग गाजा वॉर वाला पढ़ेंगे सेशन, ठीक है, चलो फिलहाल बताओ सॉलिडारिटी फटाफट एवरीबडी। प्रशांत सर वेरी गुड मॉर्निंग। सॉलिडारिटी, यूनिटी, वेरी गुड, एकजुट होना, एकता होना, है ना, मतलब साथ में मिलकर के चीजों को करना इज सॉलिडारिटी, राइट, यानी कि दैट इज यूनिटी और एग्रीमेंट ऑफ फीलिंग और एक्शन, स्पेशली अमंग इंडिविजुअल्स विद अ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें सबका एक जैसा इंटरेस्ट, जैसे 31st की पार्टी करने के लिए सबका एक एम होता है, दैट वी हैव टू पार्टी, तो ऐसे ही अपने एग्जाम के लिए सबका, आप सभी का एक ही एम है कि बस गवर्नमेंट जॉब पाना, राइट। अब ये एडिटोरियल सेशन है, तो ये कोई एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है, मतलब पर्टिकुलर एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है, सभी एग्जामों के लिए, यूपीएससी ले लो, स्टेट ले लो, बैंक ले लो, तो आप सबका मोटिव एक है, तो यू आर यूनाइजन, राइट, तो इन हार्मनी आप सबका डिसीजन एक होगा, तो विद इन अ कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल सपोर्ट विद इन अ ग्रुप। लेकिन इफ देयर इज अ डिविजन, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, सब अलग अलग है, किसी के थॉट्स नहीं मैच हो रहे, तो वो इंटरनिम हो जाएगा। द कम्युनिटी शोड सॉलिडारिटी इन द फेस ऑफ द एडवर्सिटी, जो कम्युनिटी है उसने यूनिटी दिखाई एडवर्सिटी के समय में, कमिंग टूगेदर टू सपोर्ट दोज अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर, आगे बढ़े उन सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा में फंस गए थे, है ना, तो उससे निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए उन लोगों को सभी लोग आगे आए, उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और उनके साथ अच्छा किया। चलिए अब है फ्रेजल वर्ब्स और इडियम फ्रेज, तो आज के में जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज बीफिंग अप, बीफिंग अप, बीफ आईएनजी, बीफ वैसे कहोगे तो पता नहीं क्या है, तो बीफिंग अप का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, इनहांस और इंक्रीज समथिंग, क्योंकि अप है तो ऊपर नहीं, मतलब ऊपर की तरफ की बात करेंगे, यानी इंक्रीमेंट, तो बीफिंग अप का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथ देना, इनहांस करना या इंक्रीज करना, ऑफन बाय एडिंग मोर सब्सटेंस, रिसोर्सेज और सपोर्ट, और ज्यादा उसमें सपोर्ट दे करके, सपोर्ट दे करके, है ना, रिसोर्सेज, इन सबका यूज करके। रन इनटू कई तरीके से यूज होता है बेटा, देखो रन कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है ये आपको बस देखना है। रन मतलब वैसे क्या होता है, दौड़ना। इनटू शोज मूवमेंट, बाहर से अंदर की तरफ आना, एक तो ये हो गया, है ना, और अगर हम रन इनटू की बात करें तो 4-5 तरीके में हम इसको यूज कर सकते हैं। कोई अगर एक्सीडेंट एनकाउंटर हो गया, है ना, तो यानी कि व्हेन यू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली और बाय चांस, है ना, किसी से आप बाय चांस मिल लिए, आपको नहीं पता है ना, जैसे हमने बोला कि आई एम इनटू द एन ओल्ड फ्रेंड एट द, आई रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड स्टोर, तो आप बाय चांस मिल गए, ठीक है। कोलाइड या क्रैश होना, है ना, तो टू फिजिकली कोलाइड विद समवन और समथिंग, किसी चीज से फिजिकल होना, कोलाइड करना, फाइट करना, ये हो गया। व्हेन यू आर जॉइनिंग समथिंग और एंटरिंग इनटू न्यू एग्रीमेंट और समथिंग लाइक दैट, तो टू एंटर और जॉइन एज अ इन अ सिचुएशन, तब भी हम रन इनटू का यूज कर सकते हैं। सो दीज आर दी मीनिंग्स। टर्निंग अ ब्लाइंड आई, एज यू नो ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, अपनी आंखें बंद करना, बेसिकली सामने कुछ भी हो रहा हो, यू डोंट बॉदर, यू टर्न अ ब्लाइंड आई, टू डेलिबरेटली इग्नोर और ओवरलुक समवन, स्पेशली वन शुड एड्रेस इट
और टेक एक्शन, खास करके जब कोई आपको एड्रेस कर रहा होता है तो उसको मतलब आपका विलफुली यू आर यू नो अवॉइडिंग दैट थिंग, आप अपनी इच्छा से ही उसको क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं टर्निंग अ ब्लाइंड आई। तो ये आपके फ्रेजेस में था। नाउ मूविंग फर्दर विद द आर्टिकल एनालिसिस, इसके लिए हम चलते हैं न्यूज़पेपर में रीडिंग के लिए। आप लोगों को करनी है रीडिंग और आई विल गिव यू वन वन मिनट फॉर ईच पैराग्राफ। वाइडनिंग वॉर गाजा, इस पे हम लोगों ने दो तीन बार छोड़ा है तो हमने सोचा ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो। एक बार मुझे कंफर्म कर दें सभी लोग कि इज दिस विजिबल, एवरीबॉडी विजिबल है? चलो पढ़ो उसको, रीड इट आउट एवरीवन, फास्ट पढ़िए जल्दी से। फास्ट रीडिंग, डन एवरीबडी, ओके कमलेश, चंद्रिका, भरत, सुभी, गुड मॉर्निंग विकास। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। तो लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ गायब हो जाते हो? Thank you.
डन रीडिंग, चलिए आगे पढ़िए इसको थोड़ा सा और बस। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फटाफट से चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट रीड करते हैं, स्टार्ट करें। अच्छा फुल डन है संदीप। चलो तुम लोग ये बताओ, अच्छा आज तुम लोगों ने पढ़ लिया, आज मेरे बिना समझाए पहले ये बताओ, व्हाट कैन बी द टाइटल ऑफ द पैसेज? कौन बताएगा पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है? हुल टेल मी, बताइए फटाफट, व्हाट कैन बी द टाइटल ऑफ द पैसेज? हाँ हाँ फुल, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि टाइटल ऑफ द पैसेज क्या होगा? कौन बताएगा? गेस करके बताओ और क्या समझ में आए ये भी बताओ जल्दी से। नहीं समझ में आया? अरे क्या बात है भाई, गागा वॉर नहीं है पुष्परंजन, इट्स गाजा वॉर। यही होता है जब ज्यादा पढ़ाई ना करो तो यही होता है। चलो तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइडनिंग वॉर, मतलब वॉर युद्ध जो है एक अक्टूबर 7 अक्टूबर से ये चालू हुआ और आज तक कंटिन्यू है। तो ये वॉर जो है बढ़ता जा रहा था, अटैक ऑन द गाजा बाय पैलेस्टीनियंस, यस विकास, ठीक है। गाजा वॉर जो है वो रुकने का थाम रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऑन द गाजा वॉर गोइंग बियॉन्ड इजराइल और पैलेस्टाइन, अब इजराइल और पैलेस्टाइन से भी आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एयर स्ट्राइक की गई, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा, ठीक। क्यों करी गई देखते हैं। द यूएस शुड नॉट सी हाउदी अटैक्स एज अ कंसर्न, यूएस को जो हाउदी द्वारा अटैक्स किया जा रहा है, अटैक किए जा रहे हैं, उसको एक कंसर्न नहीं मानना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ गाजा वार, ठीक। आगे देखो क्या बोला है, अ यूएस स्ट्राइक, अ यूएस स्ट्राइक ऑन यमन्स ईरान बैग्ड हाउदी मिलिटेंट्स इन द रेड सी व्हाइल दे वर अटैकिंग अ कंटेनर शिप इज द लेटेस्ट साइन दैट द गाजा वॉर इज widening beyond Israel Palestine। तो मतलब यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि जो यूएस ने स्ट्राइक किया है ना, किस पे? रेड सी पे। यूएस की जो रेड स्ट्राइक, रेड सी पे अटैक हुआ है, यानी कि रेड सी में जो यमन है कहीं ना कहीं एक तरीके से, है ना, कि स्ट्राइक ऑन यमन ईरान, यमन का जो अटैक था, तो रेड सी में जो यमन के कहीं ना कहीं जो ईरान को जो बैकअप दे रहे थे, है ना, हाउदी मिलिटेंट्स यानी कि जो हाउदी के आतंकवादी थे, उन पर कहीं ना कहीं क्या हुआ? यूएस स्ट्राइक हुआ, अमेरिकी हमला हुआ। कब? जब वे एक कंटेनर जहाज पर क्या कर रहे थे? हमला कर रहे थे। और अधिकतर चीजें यही इन सब चीजों का चिन्ह है, साइन है, कि इसी से पता चलता है कि गाजा वॉर जो है वो बढ़ता जा रहा है इसराइल और पैलेस्टाइन के लिए। तो जो युद्ध से कहीं ना कहीं उससे आगे की बातें अब हो गई हैं। थ्री हाउदी बोट्स वर संक, तीन हाउदी बोट्स क्या हुई? डूब गई, है ना। तो यहाँ पे और देखा जाए, 10 जो मिलिटेंट्स हैं, जो 10 आतंकवादी हैं, दे ओवर ऑल्सो किल्ड इन अ रेयर क्लोज कॉम्बैट, जो एक फाइट हुई है ना उसमें, विद द रेबल्स हु कंट्रोल मच ऑफ यमन, जो अधिकतर यमन को कंट्रोल करते हैं, उनसे आतंकवादियों के झगड़े में कहीं ना कहीं उन 10 मिलिटेंट्स की भी मौत हो गई। संदीप सिंह, 60,000 के पीपल जॉब फॉर इजराइल, यस संदीप यू आर राइट।
और दूसरी चीज ये भी ना, अभी अगर करंट की न्यूज में अभी आज सुबह की बात करूँ ना, तो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, मैं जो सुबह एक्चुअली न्यूज पढ़ी इसराइल से रिलेटेड, तो मुझे ये पता चला कि इसराइल का मिलिट्री का ये कहना है कि जो 5 सोल्जर्स हैं वो इंजर्ड हो गए, जो अभी हिज़्बुल्लाह में भी अटैक किया है, नॉर्थ इसराइल में अटैक हुआ जिसमें 5 सोल्जर्स भी इंजर्ड हो गए, और इसराइली जो एयर स्ट्राइक्स है वो कहीं ना कहीं आस पास के जो नेबरहुड्स हैं इन खान यूनिट्स उनमें भी कहीं ना कहीं अटैक हुआ है। तो ये लेटेस्ट न्यूज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता हाउ डू यू से दैट टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियंस, तो हाउदीज का क्या कहना है, हाउदीज कह रहे हैं कि इट इज टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी, यानी कि ये एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या कि वो यूनाइटेड है, वो सभी क्या है, एक साथ है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाउदीज का यही कहना है जो पैलेस्टाइन के साथ अगर यूनिटी है उसको व्यक्त करने के लिए वे क्या कर रहे हैं, दे वुड कंटिन्यू टू अटैक कमर्शियल वेसल्स पासिंग थ्रू दी बाबिल मंदेब स्ट्रेट थ्रू विच दी रेड सी ओपन्स इनटू दी गल्फ ऑफ एडन, मतलब जहां से रेड सी जो है वो ओपन अप होती है उसके द्वारा कहीं ना कहीं जाकर के उनकी साथ उनके साथ एकजुट होकर के उनके लिए कहीं ना कहीं लड़ाई कर रहे हैं और वो जारी रखेंगे इस लड़ाई को, और जो उन कमर्शियल वेसल्स के थ्रू दैट आर पासिंग थ्रू दी बाबिल मंदेब स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब जो पैसेज वे है वाटर का उसके थ्रू, है ना, जो जितने भी गुजरने वाले वेसल्स हैं, जितने भी वेसल्स यानी कि जितने भी वहां से गुजरने वाले जहाज हैं उन पर हमला करना जारी रखेंगे। सो सिंस लेट नवंबर मतलब नवंबर लास्ट में एटलीस्ट 20 कमर्शियल टैंकर्स हैव कम अंडर हाउदी अटैक्स, 20 जो कमर्शियल जहाज हैं उनमें उन टैंकर्स पे अटैक हो चुका है हाउदियों द्वारा, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूडेड अ कमर्शियल केमिकल वेसल ऑफ द इंडियन कोस्ट। इवन अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट का भी उसमें क्या था, आपका एक टैंकर था, है ना, भारतीय जो रासायनिक जहाज होता है ना वो भी एक शामिल था उसमें, फोर्सिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिपिंग कंपनीज, जिसमें कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी जो शिपिंग कंपनी है उनको कहीं ना कहीं उनकी मांगों पर इंक्लूडिंग मैरस्क, हैपिंग लॉयड, एनएमएससी टू सस्पेंड ट्रेडिंग ऑन द रेड सी रूट्स, और वो मना करें कि जो रेड सी वाले रूट पे जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाए, एंड यूज दी सर्किटियस रूट अराउंड अफ्रीका, यानी कि सागर के थ्रू ना जाकर के उनकी मांगों पर कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, उनको निलंबित करना पड़ेगा, बिजनेस रोकना पड़ेगा रेड सी के थ्रू, और उनको क्या करना होगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं अफ्रीका के चारों ओर घुमावदार मार्ग का कहीं ना कहीं उपयोग करना पड़ेगा, मतलब दूर दूर से कहीं से आओ, है ना, तो उसके लिए बता रहे हैं। तो ट्रैफिक थ्रू दी रेड सी अ क्रूशियल लिंक बिटवीन दी मेडिटेरेनियन एंड दी अरेबियन सीज थ्रू दी सूस कैनाल हैज ड्रॉप्ड बाय सम 35% इन रीसेंट वीक्स, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है इनका कि भैया जो स्वेज कैनल है, जो स्वेज कैनल है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसके मीडियम से कहीं ना कहीं अरेबियन सी और मेडिटेरेनियन सी जो है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो लिंक है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है मेडिटेरेनियन और अरेबियन सी के बीच में, जिससे कि शिपिंग और बीमा लागत बढ़ गई है, ठीक है, यानी कि ड्रॉप बाय 35% इन रीसेंट वीक्स, इंक्रीजिंग शिपिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, द क्राइसिस हैज प्रॉम्प्टेड द यूएस टू अनाउंस अ वॉर का, देखो कई बार बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वॉर से कई चीजों में नुकसान आता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वॉर के लिए जो चीजें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि जो क्राइसिस हैज प्रॉम्प्टेड द यूएस टू अनाउंस अ न्यू नेवल टास्क फोर्स टू इंश्योर सिक्योरिटी इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बोला गया कि इस संकट में, इस तरीके की क्राइसिस में अमेरिका को, जो कि दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक में सुरक्षा निश्चित करने के लिए एक नेवल टास्क फोर्स को क्या करना होगा, उसकी घोषणा करने के लिए कहीं ना कहीं उसको प्रेरित किया है।
ठीक आगे क्या किया गया, बट द यूएस अटेम्प्ट टू डील विद द हाउदी थ्रेट्स, लेकिन जो ये यूएस का अटेम्प्ट है ना, लेकिन अगर देखा जाए जो ये सुरक्षा संकट के रूप में अगर देखा जाए तो हाउदी खतरों से निपटने के लिए क्या करना होगा, विद द हाउदी थ्रेट्स एज अ स्टैंड लोन सिक्योरिटी क्राइसिस माइट रन इनटू इट्स ओन लिमिटेशंस, कहीं ना कहीं वो अपने में ही फंस जाएंगे. सो नो रेड सी बेसिन कंट्री हैज जॉइंड द यूएस लेड टास्क फोर्स. तो किसी ने कोई भी रेड सी बेसिन कंट्री जो है उसने इस यूएस टास्क फोर्स को नहीं ज्वाइन किया, मतलब जो कि सिक्योरिटी के लिए थी, जिसमें कि विच इंक्लूड्स इवन इजिप्ट, जिसमें कि इजिप्ट भी इंक्लूडेड है, जिसकी इकोनॉमी हैज टेकन अ हिट ड्यू टू द ड्रॉप इन द स्विस ट्रैफिक, क्योंकि स्विस ट्रैफिक की वजह से उसकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हैम्पर हुई थी, है ना. अगर हम देखें तो यहाँ पे इजिप्ट अगर शामिल है ना, और जिसकी कह रहे ना जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट के कारण उससे कहीं ना कहीं प्रभावित भी हुई है ना, अफेक्टेड हुई है. ठीक आगे क्या बोला गया, दिस शोज द ग्रोइंग एंगर इन द अरब, और ये सब दिखलाता है कि जो अरब का गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, वो अरब वर्ल्ड टुवर्ड्स द बिडेंस एडमिनिस्ट्रेशन अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर इजराइल्स ऑफेंसिव इन गाजा, और अरब कंट्रीज जितने भी हैं उनका गुस्सा कहीं ना कहीं अब बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल, क्योंकि ऑफेंसिव हो रहा है गाजा के लिए. हाँ श्रुति कह सकते हैं, यूक्रेन और रशिया में भी तो यही चीज हुई थी, है ना. तो यहां पे आगे ये बोला गया कि इसराइल्स ऑफेंसिव इन गाजा विच हैज किल्ड एटलीस्ट 22,000 पीपल इन 11 वीक्स, यानी कि अगर देखा जाए कि आप यहां पे ये सब गाजा में जो इसराइल के हमले के लिए जो बिडेन प्रशासन है उसके बिना किसी शर्त समर्थन के प्रति अरब जगत में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अरब वर्ल्ड में गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि उसको सपोर्ट है, क्योंकि उसमें अभी 11 वीक्स में देखा गया 22,000 पीपल वर डाइड. द हाउदी कंट्रोल ऑफ यमन्स रेड सी कोस्ट, जो हाउदियों का कंट्रोल है यमन के रेड सी कोस्ट पर, है ना, यमन के रेड सी कोस्ट पर जो हाउदी का कंट्रोल है इंक्लूडिंग द पोर्ट ऑफ हदोदिदा, जिसमें कौन कौन सा पोर्ट इंक्लूड है हदोदिदा का, विच इज सम 2250 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द बबले मंडेप, जिसकी डिस्टेंस क्या है 250 किलोमीटर नॉर्थ से बाबिल मंदेप जो है उससे 250 किलोमीटर नॉर्थ में, जस्ट 29 किलोमीटर वाइड एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट. फिर ये बताने कितना 29 किलोमीटर वाइड है एट द नैरोएस्ट पॉइंट, मतलब 29 किलोमीटर चौड़ा है, गिव्स देम अ नेचुरल एडवांटेज इन कैरिंग आउट सी, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक नेचुरल मतलब ये डिस्टेंस बता के जताना क्या चाह रहे हैं ये देखो, ये डिस्टेंस बता के आगे समझाना क्या चाह रहे हैं ये पढ़ो, मेनली ये है. ठीक है तो यहाँ पे डिस्टेंस बता के ये समझाना चाह रहे हैं कि डिनाई अटैक्स इन एंड अराउंड द स्ट्रेट इन कैरिंग आउट सी डिनाइल अटैक्स, कहने का मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पर बंदरगाह शामिल है जिसमें इंक्लूड है पोर्ट ऑफ होदीदा विच इज 2250 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द बाबिले मंडेप, दैट इज जस्ट 29 किलोमीटर वाइड एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट, है ना, किलोमीटर उत्तर में है जिसे हम बोलते हैं ना. ठीक है, जिसमें उन्हें समुद्र में कहीं ना कहीं हमला करने से इनकार करने में एक नेचुरल बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा. सो ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, बीते हुए कुछ हफ्तों में द यूएस हैज शॉट डाउन सेवरल हाउदी मिसाइल्स एंड ड्रोन्स ओवर द रेड सी. पिछले कुछ हफ्तों की अगर हम बात करें तो जितने भी आसपास के या अमेरिका ने क्या किया है रेड सी के ऊपर से जितने भी हाउदी ने हमले करने की कोशिश करी या मिसाइल भेजी या ड्रोन को भेजा है उसमें यूएस ने कहीं ना कहीं उनको मार गिराया या उनको हटा दिया, है ना. इवन इफ द यूएस कैरीज आउट स्ट्रेक एयर स्ट्राइक्स इन यमन, लेकिन अगर यहाँ पे बोला गया हालांकि अगर देखा जाए जब यूएस ने लेकिन इसने हाउथीज को नए हमले शुरू करने से कोई नहीं रोक सका, क्योंकि है ना चाहे जितना इसने कर दिया हो, है ना. सो भले ही अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है, भले ही अमेरिका यमन में हवाई हमले तो कर सकता है, यूएस कैरीज आउट स्ट्राइक्स इन यमन, इट इज नॉट क्लियर वेदर एरियल अटैक्स कुड डेटर द हाउथीज हु सर्वाइव्ड
intense Saudi bombing for 7 years, है ना? कहने का मतलब ये है, लेकिन क्या ये स्पष्ट है? It is not clear, ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं, ये हौदीज को रोक पाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं 7 साल तक सऊदी बमबारी में से बचे रहे। 7 years लगातार सऊदी में वो बॉम्बिंग होती रही, उसमें भी वो लोग बच गए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है हाउदीज के लिए। बीफिंग अप सिक्योरिटी इन द रेड सी, है ना, मतलब सिक्योरिटी को और बढ़ाना, बीफिंग अप मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी इन द रेड सी में और सिक्योरिटी बढ़ाना। एंड द अरेबियन सी हैज नाउ बिकम इनएविटेबल, अब वो अनअवॉइडेबल हो गया, उसका आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट द यूएस शुड फर्स्ट वर्क टूवर्ड्स अचीविंग अ सीज फायर इन गाजा, लेकिन यूएस को पहले क्या काम करना होगा? सबसे पहले गाजा में कहीं ना कहीं युद्ध विराम हासिल करने में उनकी दिशा में काम करना चाहिए, मतलब अब ये वॉर रुकना चाहिए, ठीक है। बट बिहाइंड द एस्केलेशन, ये हो गया एड्रेसिंग द कोर इशू बिहाइंड द एस्केलेशन, दैट वुड हेल्प वॉशिंगटन बिल्ड अ रीजनल कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस मतलब अग्रीमेंट, सहमति अगेंस्ट द हाउदीज। बट इफ द यूएस टर्न्स अ ब्लाइंड आई, लेकिन अगर यूएस इस चीज को इग्नोर कर रहा है, बट इफ द यूएस टर्न्स अ ब्लाइंड आई मतलब इग्नोर करना, इफ द यूएस टर्न्स अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस, ये जो एकदम बेरहमी से पैलेस्टीनियंस की मृत्यु हो रही है, बाय इट्स एली एंड स्ट्रेस फोकस ओनली ऑन द हाउदीज, अगर सिर्फ हाउदीज के पीछे पड़े रहे तो उनको सालों तक मारते रहेंगे, वो नहीं खत्म होंगे। इट रिस्क गेटिंग ड्रैग डीपर इन टू अ वाइडनिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं अगर ये चीज पे ध्यान नहीं दिया गया तो आप ये ध्यान में रखो, ऑथर का कहना है कि अगर लेकिन अमेरिका जो है अपने सहयोगी और फिलिस्तानियों की अंधाधुंध हत्या के प्रति आंखें अपनी बंद कर लेगा, इग्नोर कर देगा और केवल हौदियों पर ही ध्यान केंद्रित रखे रहेगा ना, तो उससे एक कहीं ना कहीं रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो सकता है और इसमें गहरे और ज्यादा गहरे फंसने के चांसेस हैं। वही बात छोर से कहो चोरी करो और मालिक से कहो जागते रहो, बिल्कुल श्रुति आपने बहुत सही बोली। तो समझ में आ रहा है कि अब ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है अगर इसको यहीं पे नहीं रोका गया, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। प्लस दूसरी चीज ये भी होता ने बताई कि उस हाउदी को रोकने की बात हो रही है कि जो 7 साल तक बॉम्बिंग के बाद भी बचा रहा, क्या उस पर एयर स्ट्राइक का कोई असर पड़ेगा? तो इससे बेटर है कि उनको वहां पे अटैक करने से बेटर है अब पैलेस्टीनियंस को बचाओ ना, दैट्स द मेन पॉइंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज आर्टिकल, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। आते हैं इसके टोन ऑफ द पैसेज में, चलिए बताइए जिसको जिसको पता हो टोन ऑफ द पैसेज फटाफट से बता दे। What can be the tone of the passage जो US strike के बारे में बात हुई है, author यहाँ पे क्या tone use कर रहा है? Sympathetic, enthusiastic, informative, neutral या critical? Everybody, fast. So क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा critical हैं, है ना, चीजें बहुत ज्यादा critical हैं, इसीलिए आपका यहाँ पे देखेंगे आप करेंगे क्रिटिकल, नॉट वन। संदीप वन क्या सिंपैथेटिक क्यों होगा भाई? सिंपैथी थोड़ी ना बता रहे हैं यहाँ पे, चीजें क्रिटिकल है, वॉर की बात हो रही है, ठीक है। चलो इसको एक बार और पढ़ना एंड थैंक यू अगर सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं अब हम लोग 10 AM पे SBI क्लर्क के साथ और कल फिर नए आर्टिकल के साथ। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon, never miss an update.